बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। संसद में अब वो राज्यसभा के रास्ते पहुंचेंगी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन किया था और अब वो निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। आपको बता दें कि 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 10, हिमाचल प्रदेश की 1 और कर्नाटक की 4 सीटों को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। राजस्थान में 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सोनिया गांधी को जीत मिली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार में निर्विरोध चुनाव हुआ है। जिन 45 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हुआ है, उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों में गुजरात से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल का नाम शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक से चुनाव लड़ रही हैं, जहां 27 फरवरी को वोटिंग होगी। राज्यसभा के लिए मंगलवार को घोषित 45 सीटों में से बीजेपी को 20, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 5, वाईएसआरसीपी को 3, आरजेडी बीजेडी को 2-2, जेडीयू एनसीपी शिवसेना बीआरएस को 1-1 सीट पर जीत मिली है। 3 राज्यों की 15 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें कांग्रेस को 4 सीट मिलना तय माना जा रहा है, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिल सकती है। सपा भी 2 सीट आसानी से जीत जाएगी।